से वो एचटेट करे हुए बच्चों को आप नौकरी दे पाए। ये तो ऑन रिकॉर्ड है स्टाफ सिलेक्शन। आज अपना रिकॉर्ड निकाल कर बाहर दे दे कि क्या एक भी भर्ती उन लोगों द्वारा निकाली गई है जिसके माध्यम से एचटेट करे हुए बच्चों को नौकरी मिली। युवा का भविष्य बर्बाद करना और युवा को बसों के धक्के खिला के अलग अलग एग्जामिनेशन के माध्यम से सरकार फंड इकट्ठा करना चाहती है, ये उद्देश्य है तो हरियाणा का युवा इस चीज को सहने का काम नहीं करेगा। हम तो स्पष्ट जननायक जनता पार्टी जब सम्मान दिवस में गई तो हमने स्पष्ट युवाओं के लिए कहा था कि होम डिस्ट्रिक्ट में युवा का हम सेंटर बनाने का काम करेंगे। एचटेट जैसी पात्रता टेस्ट जिसकी सरकार कोई वैल्यू नहीं समझती, 7-7 साल तक जॉब्स नहीं निकालती, उस प्रथा को समाप्त करेंगे। और सबसे जरूरी चीज जो बारी बारी सरकार को 1400 रुपये, 1200 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये अलग 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 रेट लगाकर बच्चों से फॉर्म भराती है, उस प्रथा को समाप्त कर कर पूरे साल का अगर बच्चा 100 रुपये का एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएगा, वो जितने फॉर्म भरने का काम करे उतनी उसको अधिकार है, क्योंकि वो इस प्रदेश का नागरिक है, प्रदेश का डोमिसाइल है। और प्राथमिकता के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने ये वादा किया है कि 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हरियाणा के डोमिसाइल के बच्चों को, गांव के डोमिसाइल के बच्चों को हम देंगे, जिससे आने वाले समय में ग्रामीण अंचल का बच्चा भी शहर के पढ़े लिखे और आर्थिक तौर पर सक्षम युवाओं के साथ कंपीट कर पाए। मेरी तो मुख्यमंत्री से ये मांग है कि हरियाणा प्रदेश को भ्रमित ना करे, झूठ के पुलंदे बांध बांध कर प्रदेश की जनता को बहकाने का काम ना करे। आपने 5 साल इस प्रदेश को लूटा है, बर्बाद किया है। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को आज बेरोजगारी के धक्के कटवाने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश का युवा अब एक होकर मजबूती के साथ आपके विरुद्ध में आवाज बुलंद करे। सर, कांग्रेस का ही मुद्दों को लेकर के आपने जिस तरीके से एचएसएससी की बात की, उसमें बच्चों की जान भी गई और कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जिस तरीके से एग्जाम हुआ है, इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस इलेक्शन कमीशन में गई है, क्या जेजेपी भी कुछ बिल्कुल, जान कल रही है? इलेक्शन कमीशन की चंडीगढ़ में बैठक थी। हमारी पार्टी की ओर से हमारे ऑफिस सेक्रेटरी और हमारे एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दोनों उस बैठक में मौजूद रहे और हमने रिक्वेस्ट करी है इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए वो विधायक स्टाफ सिलेक्शन को भी और पब्लिक सर्विस कमीशन को भी देने का काम करे कि आने वाले दिनों के अंदर जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता, वो नई डेट्स को, एग्जामिनेशन की या कोई रिजल्ट को पब्लिसाइज ना करें, जिससे कहीं ना कहीं चुनाव भी प्रभावित होंगे और जो युवा है वो कहीं ना कहीं सरकार के बहकावे में आए। आप टिकटों को लेकर के कब तक आपकी तरफ से मंथन कर लिया जाएगा? चर्चा चल रही है, आपने स्वयं देखा कल भी आज भी अलग अलग हलकों के साथियों से हमने चर्चा करी है। 7 उम्मीदवार हमारे मजबूती से आज प्रचार में हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि पहले नवरात्रे में हम बची 83 सीटें भी आपके सामने बता दें। आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? हरियाणा प्रदेश की जनता जहाँ से चाहे, 17 रिजर्व सीट है और 5 जनरल की हमने अनाउंस कर दी, उन सीटों को छोड़कर जहाँ से संगठन चाहेगा दुष्यंत चौटाला वहाँ से चुनाव। नहीं, आपकी चर्चा है अपना उचाना उचाना से। से। मेरी चर्चा तो नारनौंद से भी थी, नारनौंद तो ये तो आपने जीत संगठन का निर्णय दिया होगा। संगठन मेरे को चाहेगा कि मैं जींद जिले के अंदर चुनाव लड़ूं तो जींद जिले की 5 सीटें प्रभावित होगी, तो ना मैं पहले हिसार से लड़ने में पीछे हटा था। हाँ, प्राथमिकता क्योंकि मैं उचाणा मेरी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी रहेगी, मगर आज प्रायोरिटी है कि मैं 90 की 90 सीटों में संगठन को मजबूत करूं। और संगठन को मजबूत करने के लिए चाहे मेरे को प्रदेश के किसी कोने में पार्टी योग्य समझे कि वहां जाकर मैं पार्टी के और साथियों को भी जिता सकता हूँ, तो पीछे हटने का काम कि नहीं। आप एक से ज्यादा सीट से चुनाव लड़ेंगे? एक पे लड़ू, दो पे लड़ू, 5 पे लड़ू, ना लड़ू, ये निर्णय संगठन का। सर, आने वाले समय में आप एक, मतलब जैसा कि आपने आपकी छवि है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन में आप रहे हैं, तो आने वाले समय में आप टेबल टेनिस खेल को लेकर आगे क्या नीतियां बनाना देखो, चाहेंगे? खेलों को लेकर हमारे घोषणा पत्र में भी है कि हरियाणा प्रदेश में एक प्रयास किया गया था इतिहास में, जिसके बाद हमारे मेडल टैली के अंदर हरियाणा आज 1/3 मेडल टैली पे पहुंचा है। और हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा भी ये रहेगा कि हरियाणा प्रदेश में आज स्पोर्ट्स जोन वाइज खेले जाते हैं। आपके संज्ञान में ला दूं कि हॉकी की बात करी जाती है तो लड़कियां शाहबाद में अच्छा परफॉर्म करती हैं और लड़के सिरसा के जीवन नगर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके के सॉकर, जो फुटबॉल हम जिसको बोलते हैं, वो भी 3 अलग अलग
हिस्सों में प्रदेश के अच्छा खेला जाता है। बॉक्सिंग की धरती आज भिवानी है, रेसलिंग की धरती आज रोहतक है, सोनीपत है, आपके दादरी। तो इस हिसाब से जब तक आप जोन बनाकर प्रदेश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करोगे, जो बीजेपी ने केवल मात्र दिखावा किया है 5 साल के अंदर, आज गांव के अंदर इनने पैसे तो दे दिए, ये बड़े बड़े व्यायामशालाएं खोल दी, मगर एक कोच भी सरकारी भर्ती नहीं किया, तो आप कैसे मानते हैं कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया। अधिकतम ग्राउंड ऐसे हैं जिनके अंदर सपोर्ट स्टाफ जो ग्राउंड मेंटेन करने के लिए होता है, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं प्रोवाइड कर पाई, वो भी जो बच्चे को अपने जेब से कलेक्ट करके को 2,000-5,000 रुपये किसी को दे देते तब ग्राउंड आज तैयार होते। जब तक आप अच्छे ग्राउंड के अंदर ग्राउंडमैन नहीं प्रोवाइड करोगे तो ना तो ग्राउंड मजबूती से बनेंगे, ना ही आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको हम ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। सर, बीजेपी के अंदर जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं, उनके ऊपर आए दिन रेप केसेस और इस तरह के इल्जाम लगते रहते हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई एक पार्टी विशेष की बात तो नहीं, सर, हर जो सामाजिक तौर पर ऐसे कार्य करता है, मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेवारी है सिटीजन ऑफ द कंट्री की वैसे लोग को हम कहीं ना कहीं इलेक्ट ना करें, उनको इस जिम्मेवारी पे ना बिठाए कि आने वाले समय में डेमोक्रेसी बदनाम। सर, ऐसे लोगों को टिकट दी जा रही है क्योंकि पिछली बार भी जो उमेश अग्रवाल हैं आपके हरियाणा से ही हैं, गुड़गांव से, बीजेपी का इंटरनल मैटर है, वो कैसे आदमी को टिकट? नहीं, क्या आप किसी दागी को टिकट नहीं देंगे? अब तक साथ में कोई दागी है? नहीं, उसमें नहीं है, बाकी तिरासी की बात कर रहा हूं। आप आने दीजिए लिस्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी तक जो पिछले 5 साल में हमने देखा हरियाणा में, ऐसा मेरे हिसाब से पिछले इतिहास में मेरी अपनी 20 साल के करियर में मैंने नहीं देखा कि विपक्ष को इतना कमजोर मैंने देखा है कि सरकार पे दबाव नहीं बनता है। आपको लगता है कि अगले 5 सालों में आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्योंकि आप इसका मतलब तो आप बीजेपी को रिपीट करा रहे हैं। नहीं नहीं, आई सेड मैं कोई भी सरकार में सत्ता में, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता दूं कि आज सोशली बीजेपी ने हमें बांटने का प्रयास किया। 5 साल में आपने आज तक के हरियाणा के 70 साल के इतिहास में नहीं देखा होगा कि प्रदेश 4 बार जला, 80 लोगों की सरकारी गोलियों से मौत हुई, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर समय जब प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करी तो जैसे कछुआ अपनी गर्दन शैल में डाल लेता है, छुपकर अपने आप को बचाने का काम किया। और अब भी जो कल उनने एक 5-स्टार होटल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसने साबित कर दिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी झूठ के पुलिंदे थे, कहीं ना कहीं झूठ बोलकर हरियाणा को भ्रमित करने का काम कर रहे। विपक्ष के तौर पर जहां मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, ट्रैक्टर पे जब इनने तलवार चढ़ाई तो शायद इकलौता मैं ही था जिसने किया है। जो लोग थे उनने मेरे को, मैं उनको क्रिटिसाइज करूं ना करूं ये आज की बात नहीं। आज प्रदेश बदलाव चाहता है, युवा परिवर्तन चाहता है, और उसके लिए जननायक जनता पार्टी प्रदेश के अंदर एक मुहिम लेकर आई है, और उस मुहिम का ये असर है कि लाखों लोगों ने रोहतक में आकर अपनी ताकत दिखाने का काम किया। सर, आज देवीलाल जी की जयंती है, उसको लेकर आप जैसे आने वाली सत्ता में अगर आते हैं तो उनके ऐसे क्या सपने होंगे जो आप उनको आगे चल के पूरा करने में विश्वास रखते हैं? पार्टी ने 11 घोषणाएं जब पार्टी का निर्माण हुआ था उस समय करी थी, और 6 घोषणाएं परसों 22 तारीख को करी। हमारा आज के दिन भी उद्देश्य यही है, और जिस नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि किसान कमेरे आगे बढ़ जीत ले अपना चंडीगढ़, हम उस वर्ग को जो अपने हाथ से कमाकर खाता है आज के दिन ताकत देना चाहते हैं कि वो योग्य बने। उसमें चाहे कोई एससी हो, चाहे कोई बैकवर्ड हो, चाहे कोई गरीब हो आर्थिक तौर पर, आज उसको मजबूत करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। और उसी को देखते हुए चाहे कैंसर ट्रीटमेंट की बात हो, चाहे हम सरपंचों की तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, किसी ने नहीं सोचा आज से पहले कि एक सरपंच जो 3,000 रुपये तनख्वाह लेता है, अगर उसको 4 बार अपने गांव से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ गया तनख्वाह तो उसी में चली जाती, वो अपना घर कैसे चलाएगा। आज आप सांसदों को तो 1,00,000 रुपये तनख्वाह देते हो, विधायकों को 70,000 रुपये तनख्वाह देते हो, और उसी विधायक से ज़्यादा काम करने वाले सरपंच को 3,000 में आप कहते हो कि घर चला के दिखाए, फिजिकली पॉसिबल नहीं। तो ये छोटे छोटे बदलाव हैं, और आप देखना कि छोटे छोटे बदलाव जननायक जनता पार्टी जब प्रदेश में लाएगी तो प्रदेश फिर प्रगति के पथ पर और मिलेगा। ठीक है जी, धन्यवाद सबका।